अस्सलामुअलैकुम, कराची के साथ मैं हूं उसामा एजाज और मैं हूं अरीबा सुल्तान। बुलेटिन का बकायदा खास करेंगे। सबसे पहले बताएं कि एक बार फिर महंगाई का सुनामी आ गया है। तब्दीली सरकार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम आग बगोला हो गए, कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने का इम्कान है। एक बार फिर महंगाई का सुनामी आ गया है। तब्दीली सरकार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम आग बगोला हो गए, कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने का इम्कान है। आपको खबर दे रहे हैं कि एक बार फिर से महंगाई का सुनामी आ गया है। तब्दीली सरकार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम आग बगोला हो गए, कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ने का इम्कान है। बिल्कुल, आपको बताएं कि तब्दीली सरकार के बुलंदो बांग दावे सिर्फ दावों तक महदूद। तब्दीली सरकार ने सभी कुछ बदल कर रख दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। अवाम आग बगोला हो गए, कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ने का इम्कान है। महंगाई के सुनामी ने अवाम को मार डाला। तब्दीली सरकार ने सभी कुछ बदल कर रख दिया। तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत ने एक बार फिर गरीब और महंगाई की चक्की में पिसती अवाम के लिए एक और परेशानी खड़ी कर दी। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। 12 रुपए के इजाफे के साथ पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि महीनों में क्या, अब तो हफ्तों में पेट्रोल बढ़ रहा है। हुकूमत खुदा का खौफ करे, गरीब मर रहा है। सर, आप तो हर महीने की बात कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते ही ऐसा हो रहा है। और ये तो लग रहा है कि डॉलर को भी जो है ना, ये डॉलर और पेट्रोल की रेस चल रही है, उसमें ये इनको एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं आगे बढ़ बढ़ के। हर बंदा परेशान हुआ हुआ है, पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अब पब्लिक क्या कर सकती है। अब यही है कि बर्दाश्त है, क्योंकि ये तो ज़रूरत की चीज़ है, अब इसको छोड़ तो सकते नहीं है। अब पहले ऐसा होता था, जो बंदा ये समझता था कि 100 रुपीज़ का भी पेट्रोल डलवाएगा, ये उसके जहन में होता कि यहाँ से यहाँ तक अब पहुँच जाएँ। अब हर चीज़ हो गई है डबल। हमारा आमदनी तो होता नहीं इतना, 60 रुपए लीटर है, हम क्या करें, गरीब बंदा। गरीब आदमी क्या खाए क्या कमाए, यकीन करें मकरूज पे मकरूज होता जा रहा है, आदमी परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने सोचा था कि ये हुकूमत है हमारे लिए रिलीफ देगी, लेकिन उन्होंने जो ना और परेशानी कर दी है लोगों के लिए। तब्दीली तो आ गई है भाई। इससे कबल यकुम फरवरी को वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मौखर की गई थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे के इजाफे के साथ 159 रुपए 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के साथ 154 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 10 रुपए इजाफे के साथ 126 रुपए 56 पैसे का हो गया है। कैमरामैन शहरयार के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।